दोस्तों ऋतिक रोशन बॉलीवुड के उन सितारों में से एक है जो अपने वैरायटी ऑफ कैरेक्टर, डांसिंग स्किल्स और हैंडसम लुक के चलते हाई पेड एक्टर बन चुका है। इनके फिल्म कलेक्शन इतनी बेहतरीन रहती है कि ऋतिक के कुछ फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट या सुपर हिट साबित होती है। लेकिन दोस्तों पिछले 3 सालों से ऋतिक रोशन बिग स्क्रीन से गायब है। ऋतिक के फैन यह जानना चाहते हैं कि उसकी अगली फिल्म कब आ रही है और आगे हमें ऋतिक रोशन किन किन फिल्मों से इंटरटेन करने वाले हैं। दोस्तों आज के इस फ्रेश वीडियो में ऋतिक रोशन के आने वाले उन्हीं फिल्मों के बारे में बात करेंगी जो बॉलीवुड में एक बार फिर से जान फूंक देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 10 सिनेमा व्यू के इस नए वीडियो में। नंबर 1 इज विक्रम वेदा। दोस्तों सबसे पहले हमें ऋतिक रोशन विक्रम वेदा मूवी में ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए दिखेंगी। जी बॉस, आपने ठीक सुना, 2017 की एक्शन थ्रिलर फिल्म विक्रम वेदा के हिंदी रिमेक में एक बार फिर से ऋतिक रोशन एक्शन वाले अवतार में नजर आने वाले हैं। फिल्म में जहां आपको जबरदस्त थ्रिल और सोचने पर मजबूर कर देने वाले एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगी। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें ऋतिक रोशन के साथ सैफ अली खान और राधिका आप्टे जैसी एक्ट्रेस नजर आने वाली है। जहां फिल्म में हमें ऋतिक रोशन का किरदार बेहद ही खूंखार गैंगस्टर का होने वाला है, वहीं पर इसके अपोजिट सैफ अली खान हमें एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे जो ऋतिक रोशन को पकड़ने की कोशिश करते दिखेंगी। दोस्तों तमिल में गैंगस्टर का रोल विजय सेतुपति निभाया था और पुलिस वाले के किरदार में आर माधवन ने सबको बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया था। वही जहाँ ओरिजिनल फिल्म में विक्रम वेदा की स्टोरी चेन्नई में बेस्ड थी, वहीं इस बार जो बॉलीवुड में इस फिल्म का रिमेक बनाया जा रहा है उसकी स्टोरी लखनऊ कानपुर में बेस्ड होने वाली है, जो कि ट्रेलर में ऋतिक रोशन के बोले गए डायलॉग देखकर लग ही रहा है। वहीं ओरिजिनल फिल्म को डायरेक्ट पुष्कर और गायत्री की जोड़ी ने किया था। दोस्तों रिमेक को भी डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली है। वहीं पर बॉलीवुड में इस फिल्म का हिंदी रिमेक 175 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है और फिल्म को ओरिजिनल फिल्म के प्रोड्यूसर शशिकांत और भूषण कुमार प्रोड्यूस करेंगे। गेम क्या है तुम्हारा? यही तो आपको पता लगाना है सर। नंबर 2 फाइटर। फाइटर ऋतिक रोशन की अपकमिंग पेट्रियोटिक एक्शन मूवी होने वाली है जिसमें एक बार फिर से ऋतिक रोशन हमें एक सोल्जर के किरदार में दिखेंगी और दुश्मनों को एक एक करके बैंड बजाते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों फिल्म के लीड स्टार कास्ट में हमें ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर नजर आएंगे। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद जो इससे पहले ऋतिक रोशन के साथ बैंग बैंग और वॉर जैसी सुपरहिट फिल्म बॉलीवुड को ऑलरेडी दे चुके हैं। जिन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर क्या तबाही मचाई थी ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इस एक्शन पैक्ड मूवी को वाइकोम स्टूडियो के बैनर तले बनाया जाएगा और फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे ममता आनंद। और तो और फिल्म को पैन इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए बनाया जा रहा है। जी हां भाई, फिल्म को हिंदी सहित तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और इंग्लिश भाषा में रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म 2022 तक सिनेमाघरों में देखने को मिल सकती थी लेकिन कोविड आ जाने के कारण यह फिल्म थोड़ी डिले हो गई है। अब हमें यह फिल्म 2023 तक देखने को मिल सकती है क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद जो शाहरुख खान के साथ पठान फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसकी भी शूटिंग पूरी हो चुकी है। अब जल्द ही ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद फाइटर मूवी की शूटिंग करेंगे और हमें यह फिल्म सितंबर 2023 तक सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 वॉर 2। जी हाँ, ऋतिक रोशन 2019 की स्पाई एक्शन मूवी वॉर के सिक्वल में नजर आने वाले हैं जो कि बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल है जिसमें हमें ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर का जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिला था। भाई उसी फिल्म का सिक्वल अब बनाने की तैयारी हो रही है जिसमें इस बार हमें ऋतिक रोशन और विद्युत जामवाल ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें टाइगर श्रॉफ को इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया और उनकी जगह अब ऋतिक रोशन को जबरदस्त हैंड टू हैंड कम बैक देंगे विद्युत जामवाल। इस खबर से टाइगर श्रॉफ के फैंस के लिए दिल पर चोट लग सकता है लेकिन क्या कर सकते हैं। पहले पार्ट की तरह इस फिल्म को भी डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद और फिल्म को यशराज फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से बनाया जाएगा और फिल्म को प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी संभालेंगे प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा, जिनकी भले ही पिछले कुछ फिल्में जैसे जयेश भाई जोरदार और सम्राट पृथ्वीराज जैसी बिग बजट फिल्में फ्लॉप हुई है लेकिन फिर भी इस फिल्म को बहुत बड़े बजट में तैयार किया जाएगा। वैसे तो फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और जैसे ही ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद फाइटर फिल्म की शूटिंग पूरी करेंगी फिर जाकर इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी और यह फिल्म हमें 2024 तक देखने को मिल सकती है। नंबर 4 क्रिस 4। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग भी ऋतिक रोशन की अगर किसी मूवी का सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वह डेफिनेटली क्रिस 4 ही होगा क्योंकि इसके पहले 3 पार्ट्स को ही मिल गया। क्रिस और क्रिस 3 दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। दोस्तों इस फिल्म में हमें ऋतिक रोशन एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 किरदार में नजर आएंगे। जिया ऋतिक रोशन रोहित मेहरा का यानी कि अपने पापा और कृष्णा और तो और विलेन के रोल में भी इस बार ऋतिक रोशन ही नजर आने वाले हैं। इस बार हमें फिल्म में टाइम ट्रेवल भी दिखाया जाएगा कि कैसे कृष्णा यानी कि क्रिस टाइम मशीन का उपयोग करके पास्ट में जाता है और अपने पिता से मिलता है।
दोस्तों इस फिल्म में हमें बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की VFX और CGI देखने को मिलेगा। वहीं पर इस फिल्म के स्टार कास्ट में एक बार फिर से ऋतिक रोशन, रेखा और प्रियंका चोपड़ा नजर आएंगी। प्रियंका चोपड़ा बहुत समय बाद क्रिस 4 के जरिए एक बार फिर से बॉलीवुड में वापसी करने जा रही है। दोस्तों रिपोर्ट्स तो यह भी है कि फिल्म की कहानी और डायरेक्शन का डिपार्ट संभालेंगे राकेश रोशन, जिन्होंने क्रिस सीरीज के पिछले तीनों पार्ट को डायरेक्ट किया है। वहीं पर फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे खुद राकेश रोशन। क्रिस 4 की शूटिंग जल्द ही स्टार्ट हो सकती है और हमें यह फिल्म 2024 से 25 तक सिनेमाघरों में देखने को मिल सकती है। नंबर 5, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद स्पाई यूनिवर्स। जी हाँ, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद जो स्पाई एक्शन मूवी बनाने के लिए जाने जाते हैं, वह एक स्पाई यूनिवर्स बना रहे हैं जिसमें सलमान खान एज ए टाइगर, शाहरुख खान एज ए पठान और ऋतिक रोशन एज ए कबीर तीनों एक साथ एक ही मूवी में लाने वाले हैं। भाई क्या धमाका होगा जब एक साथ शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन बड़े पर्दे पर एक्शन अवतार में दिखेंगे। दोस्तों इस मूवी का अनाउंसमेंट हो चुका है, साथ में यह भी कंफर्म हो चुका है कि ऋतिक रोशन, शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ एक ही मूवी में काम करने वाले हैं, जिसको कि डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद और फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा। दोस्तों फिल्म की शूटिंग शुरू होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद सबसे पहले ऋतिक रोशन के साथ फाइटर मूवी की शूटिंग पूरी करेंगे और उसके बाद इस फिल्म पर काम करना शुरू करेंगे। इसलिए यह मूवी थोड़ी देर ही सही, लेकिन 2025 तक देखने को मिल सकती है। वैसे मैं तो इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि शाहरुख, सलमान और ऋतिक एक साथ हो तो भाई कौन नहीं एक्साइटेड होगा। नंबर 6, रामायण। डायरेक्टर नितेश तिवारी, जो कि बहुत पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि वह हिंदू मैथोलॉजी पर बेस्ड रामायण फिल्म बनाएंगे, जिसके लीड कास्ट में रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन नजर आने वाले हैं। दोस्तों इस फिल्म में रणवीर कपूर भगवान राम, दीपिका पादुकोण सीता और लंकेश रावण के किरदार में ऋतिक रोशन नजर आने वाले हैं। नितेश तिवारी जो बॉलीवुड को दंगल और छिछोरे जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म ऑलरेडी दे चुके हैं। दोस्तों इस फिल्म को लगभग 500 से 600 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा, क्योंकि इसके 2 या 3 पार्ट्स आ सकते हैं। इस भारी भरकम बजट वाले फिल्म को मधु मंटेना, अमित मल्होत्रा और अल्लू अर्जुन के पिता प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद प्रोड्यूस करेंगे। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग 2024 से शुरू हो सकती है और हमें यह फिल्म 2026 तक सिनेमाघरों में देखने को मिल सकती है। तो बॉस ये रही ऋतिक रोशन की आने वाली कुछ धमाकेदार फिल्में, जो निश्चित ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही धमाल मचा सकती है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए इनमें से किस फिल्म का इंतजार आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।